क्या वाकई सेवर का पुलाव ओवररेटेड हो गया है? जी हाँ, आज हम रिव्यू करेंगे इस्लामाबाद का वेरी फेमस सेवर फूड्स के पुलाव कबाब का। वैसे तो ये बहुत फेमस और बड़ा ब्रांड है, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि अब इनका पुलाव कबाब काफी ओवररेटेड हो गया है, तो आज करेंगे इस पुलाव कबाब का रिव्यू। अभी देखिए, ये चिकन का पीस होता है भाई, इनका जबरदस्त गर्मा गर्म हो रहा है, तो 450 रुपए में बहुत अच्छा है भाई चिकन का। वाह भाई वाह, चिकन का अच्छा पीस है भाई, मतलब बहुत अच्छा बना हुआ है, चावल अच्छे हैं, मिठास मुनासिब है। ये आपको भाई साथ में मिलता है शामी कबाब। शामी कबाब का अगर आप थोड़ी सी पैटी देखें तो ओह माशाल्लाह भाई माशाल्लाह यार, कॉम्बिनेशन ट्राई करना है ना। तो ये आपने लिया चिकन, ये आपने लिया कबाब, और ऐसे हाथ से बनाया निवाला, और ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो भाई अगर पिंडी इस्लामाबाद आओ और सेवर ट्राई ना करो तो यार फिर तो बात बनती नहीं है ना। तो इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं सेवर फूड्स पे। अच्छा, यहाँ वीडियो बनाने की मकसद से नहीं आया था, लेकिन काफ़ी लोगों ने मेरी स्टोरी पे मुझे कहा था कि भाई सेवर लाजमी ट्राई करना, बहुत ज़्यादा ओवररेटेड हो गया है, और काफ़ी लोगों का कहना था कि भाई बिरयानी पुलाव से भी ऊपर का लोग इसे बोल रहे। तो दो तीन बातें हो रही थी, तो मैं खुद खाने के लिए आया हूँ, तो आज थोड़ा सा रिव्यू करूँगा। पूरी कम्प्लीट वीडियो नहीं होगी, लेकिन एक रिव्यू वीडियो होगी जिसमें मैं बताऊँगा कि सेवर का खाना पहले जैसा है नहीं। वैसे मैंने 2 साल पहले तक ये ट्राई किया हुआ है, तो आज ये फिर से ट्राई करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या सीन है भाई। ये अब हमारा रायता वगैरह आ चुका है, ये प्लेट के साथ मिलता है भाई आपको जब आप सिंगल जो है ना पैकेज लेते हो। तो ये हमारा रायता आ गया है, साथ हमने 3 प्लेट्स लिए हैं, तो ये 3 रायते और 3 सैलेड हमें मिलेंगी। ये हमारा जो है अब पुलाव कबाब जो है ये आ चुका है, ये देखें भाई ज़बरदस्त प्लेट है भाई। ये जो है 450 रुपये की भाई, इसमें एक आपको चिकन पीस मिलेगा, 2 आपको कबाब मिलेंगे और चावल। तो भाई अब ज़रा खाते हैं और फिर आपको इसका रिव्यू करके बताते हैं। अच्छा भाई, तो फाइनली जो है अब मैं ये रिव्यू करने वाला हूँ। देखिए भाई, ये 450 रुपये वाली प्लेट है, इसमें ये चिकन का पीस आपको मिलता है, 2 आपको शामी कबाब मिलते हैं, और ये चावल की प्लेट मिलती है, साथ में रायता सलाद भी होता है इसी प्लेट में ना। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाह रहमान करेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम चावल के साथ। ये देखिए भाई, ज़रा चावल ट्राई करते हैं, चावल के साथ ट्राई करते हैं भाई। तो मेरे साथ ज़रा ये भी है, तो मुझे इसको भी ज़रा खिलाना पड़ रहा है। ये लो बेटा, आप खाओ, पहले आप रिव्यू करो। तो मैंने ये रायता मिक्स कर लिया, ज़रा चावल के साथ ट्राई करते हैं। ये मैंने करीबन 2 साल पहले मैंने बताया था कि मैंने ट्राई किया था, चावल तो बहुत अच्छे हैं भाई, चावल बहुत अच्छा है। और काफ़ी डिबेट ये चल रही है यहाँ के लोगों में भी कि ये अब बहुत ओवर रेटेड हो गया है। तो ऐसा नहीं कि ओवर रेटेड, मैं तो नहीं कह सकता, और काफ़ी सारे लोगों ने ये बात कर दी थी कि ये कराची की बिरयानी और पुलाव से भी ऊपर निकल गया है। हाँ वो बात ठीक है, लेकिन है मज़े का, ऐसी बात नहीं है। तो ज़रा मैं आपको शामी कबाब दिखा दूँ भाई। देखिए ये शामी कबाब है गर्मा गर्म, ये शामी कबाब ज़रा ट्राई कर लेते हैं। अरे शामी कबाब भी काफ़ी अच्छी है, मज़ेदार, तो कॉम्बिनेशन शामी कबाब के साथ भी काफ़ी मज़े का लग रहा है। अच्छा जी, साथ में आपको ये मिलता है, ये देखिए भाई चिकन का पीस गर्मा गर्म हो रहा है, एकदम धुएँ भी आपको नज़र आ रहे होंगे निकलते हुए। तो ये ज़रा हम चिकन भी ट्राई कर लेते हैं, तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन साथ में अभी बिल्कुल ट्राई करते हैं। लेकिन देखिए तीनों चीज़ें सोलो भी बहुत अच्छी लग रही हैं, मतलब मज़ा आ रहा है ना खाने का। ओवर रेटेड तो मैं नहीं कह सकता इसको कि सेवर जो है, सेवर का जो पुलाव कबाब है वो ओवर रेटेड नहीं हुआ है, मज़े का, मतलब आपका आना जो है ना वर्थ इट होता है। लेकिन मैंने अपने तीनों चीज़ें ले ली, तीनों चीज़ों का मिक्सचर कर दें। अच्छा भाई, तो देखें पुलाव तो खा लिया था, लेकिन एकदम से वो ज़रदा भी मंगवा लिया, तो मैंने कहा चलो भाई ज़रदे का भी ज़रा रिव्यू करें। दिखने में तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है, तो ये ज़रा साथ में चमचम भी है, और ये ज़रा ज़रदा ट्राई कर लेते हैं यहाँ का, क्योंकि ये मैंने नहीं ट्राई किया था। अच्छा, खीर वीर में ज़्यादा खाता नहीं हूँ, लेकिन ज़रदा मुझे पसंद है, ज़रदा बहुत अच्छा बना हुआ है, चावल अच्छे हैं, मिठास मुनासिब है, अच्छा लग रहा है भाई। जब भी आप सेवन आए पुलाव के साथ, ये ज़रदा भी लाजमी ट्राई करें। आप अगर कराची, लाहौर वगैरह कहीं से भी, मेरे ख्याल से लाहौर वगैरह में तो ब्रांचेज हैं इसकी, लेकिन आप पाकिस्तान की किसी भी सिटी से आते हैं ना, आकर सेवन लाजमी ट्राई करें, ओवर रेटेड नहीं है, मज़े का है, चावल अच्छा है, गर्मा गर्म कबाब और साथ में चिकन आपको मिलता है। तो आप आएँ
और लाजमी ट्राई करें। मैं ये ट्राई कर रहा हूँ, ये 450 रुपये वाला है, इसमें कंप्लीट पैकेज है, एक बंदे के लिए कंप्लीट मील है। उसके अलावा अगर आप सिर्फ पुलाव कबाब और चावल खाना चाहते हो वो तकरीबन 350-330 ऐसे कुछ है, रेट्स अलग अलग हैं। तो जब भी आपका आना हो सेवर लाजमी ट्राई करें, मुझे बहुत मज़ा आया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करूँगा किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।